सच सच बता, तुझे लव लेटर लिखना आता है ना? हाँ भाई। अरे एक जमाना था जब मैं दसवीं में था। दसवीं में? हाँ, तो मेरी क्लास में जितने भी लड़के लोग थे ना, सब अपने अपने प्रेमिका के लिए मुझसे ही लव लेटर लिखवाते थे। अच्छा जी, फिर तो सिलसिला चलता रहा। मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में? अरे हाँ भाई, आपको तो लिखना है नहीं, बीच बीच में शांत रहिए ना गुरुजी। तो कहाँ था मैं? कॉलेज में। हाँ, मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी यही सिलसिला चलता रहा। और जिन जिन लड़कों को मैंने वो लव लेटर लिख के दिया ना, सबकी शादी हो गई। फिर उन लड़कियों का क्या हुआ जिन्हें लेटर दिया था? अरे उन्हीं लड़कियों के साथ शादी हुई ना गुरुजी। सेठ जी फेंका फेंक कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अभी भी लिखना चालू? नहीं अभी कहाँ, अभी तो क्या है, सब धंधे में पड़ गया ना, तो वो छूट गया। वरना ये भी बहुत बड़े लेखक होते। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है, एक ही सोसाइटी में दो दो लेखक अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैंने त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग कर दिया? लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पड़ोसी है, बरसों से परम मित्र भी है, तो इनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। यूं कह सकते हैं कि मैं भी इनका एक साहिर दूं। जेठालाल। क्या हुआ? शागिर्द नहीं, शागिर्द। वो ईद की थी है ना? अरे ईद की नहीं, ईद गिर्द भाई। अरे यार तू तू छोड़ ना, अभी तेरे को तो लिखना है नहीं, उसको लिखने दे यार। चल चल भाई, टाइम जा रहा है। हाँ चल, हाँ मैं लिख देता हूँ। वही वही पता सेठ जी क्या लिखेंगे। सेठ जी ऑल द बेस्ट। मंजू ना नाम? मंजू। मेहता साहब आप इधर मत देखिए, आप देखेंगे तो क्या मैं लिख नहीं पाऊंगा। उधर ही मुड़ के बैठ जाइए ना प्लीज। होशियारी मार के मैंने बोल तो दिया कि लव लेटर मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या, लेकिन क्या लिखूं? ये मुसीबत से बचने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। ये मेहता सब भी पता नहीं आज क्या हो गया इनको। अरे भागा, जरा थोड़ा पानी पी लेना दोस्त। जी सेठ जी। दो मिनट ये लीजिए। एक काम करता हूँ, भगवान का नाम लेके कुछ भी लिख देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।